नमस्कार, मैं हूं रामदत्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मीडिया स्वराज। आज गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा का भारतीयों के लिए एक विशेष महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि गंगा जी आज ही धरा पर अवतरित हुई हैं। गंगा जी के महात्म्य पर बातचीत के लिए आज बनारस से हमारे साथ हैं स्वामी श्री 1008 श्री अविमुक्तेश्वरानंद। अविमुक्तेश्वरानंद जी स्वामी स्वरूपानंद जी के बहुत ही निकट उनके सहयोगी हैं, शिष्य हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि स्वामी जी, गंगा दशहरा का ही क्या महत्व है, क्यों आज हम लोग इसको पर्व के रूप में मनाते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं? देखिए, गंगा जी स्वर्ग में थी, भगीरथ के तप के बल पर उनके पूर्वजों का उद्धार करने के लिए स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई। गंगा जी का स्वर्ग से वह जो अवतरण है, कहा जाता है कि वह ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ही हुआ था। आज वही तिथि है, इसीलिए आज का महत्व है। गंगा को दशहरा कहा गया। दशहरा का मतलब 10 तरह के पाप हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, 3 मन के, 3 शरीर के और 4 वाणी के। इस तरह से 10 तरह के पाप होते हैं। उन 10 प्रकार के पापों का जो अपहरण कर दे, हरण कर दे, उसी का नाम है दशहरा। तो गंगा का नाम दशहरा है, क्योंकि गंगा में जैसे ही कोई व्यक्ति आकर के स्नान करता है, वैसे तो कहा जाता है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यः विष्णु लोकम सगच्छति। अगर 100 योजन दूर रह करके भी कोई गंगा जी की तरफ चल देता है, अथवा गंगा जी के पास न पाने के कारण गंगा के नाम का उच्चारण कर देता है, पुकार देता है गंगा को कि हे गंगे हमको पाप मुक्त करो, तो भी गंगा पाप मुक्त उनको सर्व पापेभ्यः, सर्व पाप माने यही 10 तरह के पाप हैं, इन 10 तरह के पापों से वो मुक्त कर देती हैं। गंगा पापम शशी तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हंत साधु समागमः, यह जो नीति बताई गई है, इसमें भी गंगा को पापहारिणी कहा गया है। तो गंगा हमारे लिए बहुत ही उपादेय हैं। उन्होंने भगीरथ के पूर्वजों को, जो कपिल मुनि के शाप से दग्ध हो गए थे, उनका तो उद्धार किया ही। उसके बाद भी वे आज तक यहाँ धरा धाम पर विराजी हैं और हम सबके पाप ताप का अपनोदन कर रही हैं। आज उनके इस अवतरण दिवस पर उनको प्रणाम करते हैं हम और आपके साथ उनकी चर्चा कर रहे हैं। जी स्वामी जी, मैं अगर जानना चाहूं कि आपके जीवन में व्यक्तिगत रूप से गंगा जी का क्या महत्व है, विशेष करके बनारस में रहते हुए। देखिए, हमारे जीवन में गंगा का महत्व ऐसे है कि हमने अपने गुरु जी को, जो कि देश के सर्ववरिष्ठ धर्माचार्य हैं, जब हम कुछ छोटी उम्र के थे, कोमल मन था, तब हमने देखा था कि गंगा में हो रहे प्रदूषण से व्यथित होकर के जगत गुरु जी ने स्वयं भी एक दिन का उपवास किया था जी। उस समय प्रयाग में, संभवतः 2002 या 2003 ईस्वी का ये अवसर था, गंगा का जल लाल लाल हो गया था, संत महात्मा चित्कार कर रहे थे, सब लोग मिलकर के जगत गुरु जी के पास आए कि आप इसमें हस्तक्षेप करिए। उस समय गुरु जी ने एक दिन के उपवास की घोषणा की थी और स्वयं उन्होंने भी उपवास किया था। हमने जब देखा कि हम सबके रहते हुए देश के सर्ववरिष्ठ धर्माचार्य को उपवास करना पड़ रहा है, तो हमारा मन बहुत ही द्रवित हुआ। हमने उसी समय यह संकल्प लिया, हालांकि हम छोटे थे, कि गंगा के प्रदूषण निवारण के लिए और उनकी अविरल धारा को प्रवाहमान बनाने के लिए हम अपना जीवन समर्पित करेंगे। और तब से लेकर के आज तक गंगा जी के बारे में
जितना संभव है वो उतना कार्य करते रहते हैं। हमने जब हमारी दीक्षा हुई थी, संन्यास हुआ था, तो हमसे किसी पत्रकार ने पूछा था कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो हमने यही कहा था कि गंगा जी की अविरल निर्मल धारा। इसलिए भी गंगा जी हमको प्रभावित करती हैं क्योंकि हम जब ये देखते हैं कि भेदभाव को नष्ट करके सब में एकात्मता की स्थापना की जाए, सबको एक स्वरूप में देखा जाए, तो गंगा जी से बढ़कर के दूसरा कोई हमको सोपान नजर नहीं आता है। अथवा गंगा जी या तो फिर देश की सड़कें, ये हमको बहुत प्रभावित करती हैं क्योंकि जब हम गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं तो वहां पर ऊंच नीच का भेद, धनवान गरीब का भेद और सन्यासी और गृहस्थ का भेद, सब भेद मिट जाते हैं, पार्टियों के भेद भी मिट जाते हैं, सब लोग एक साथ गंगा में स्नान करते हैं। बहुधा हमारे पास हमारे ऊपर ये आक्षेप लगाया जाता है सनातन धर्मियों के ऊपर कि ये लोग बहुत भेदभाव करते हैं, लेकिन हमने कुंभ पर्व पर या दूसरे पर्वों पर गंगा जी के पास जाकर के देखा है कि एक ही घाट पर शंकराचार्य जी और हमारे समाज का वो व्यक्ति जिसको पिछड़ा कहा जाता है, जिसको अंत्यज कहा जाता है, जिसको कुछ और कहा जाता है, तरह तरह से भरमाया जाता है, दोनों एक ही घाट पर एक साथ स्नान करते हुए हमको दिखाई देते हैं। तो हमको लगता है कि ऐक्य जो है, जो समरसता है, उसकी स्थापना के लिए गंगा जी से बढ़कर के दूसरा कोई प्लेटफार्म नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ इसी तरह से सड़कों पर देखिए, सड़कें बनी हुई हैं, उनके ऊपर भी गरीब अमीर, कांग्रेसी भाजपाई, सवर्ण असवर्ण सब चलते हैं, तो हमको वो भी सड़क भी बहुत प्रभावित करती है। तो सड़क और गंगा की धारा, ये दोनों हमको लगता है कि यहाँ पर आकर के प्रत्येक व्यक्ति समान अवस्था में हो जाता है, सबकी अपनी विशेषताएं समाप्त हो जाती हैं, गंगा हम सबको एक बना देती है, एकता का ये इतना बड़ा प्लेटफार्म कोई दूसरा नहीं है, इसलिए भी हम गंगा के प्रति अपने हृदय को समर्पित पाते हैं। हमने एक सर्वे जी बताइए जी, जी नहीं आप बताइए, सर्वे आप बता रहे हैं। हाँ, हमने एक सर्वे पढ़ा था, इंटरनेट पर अभी भी उपलब्ध है, अमेरिका की एक संस्था ने ये सर्वे किया कि विश्व में कौन सा वो स्थान है जहां पर लोग अपना खर्चा करके आध्यात्मिक कारणों से इकट्ठा होते हैं, सबसे बड़ा स्थान कौन सा है। तो हम लोगों के मन में ये था कि संभवतः मक्का मदीना में सर्वाधिक लोग जाते होंगे क्योंकि जब टेलीविजन पर हम चित्र देखते हैं तो सर्वाधिक नरमुंड वहीं पर दिखाई देते हैं, लेकिन उस सर्वे को पढ़ करके आंखें खुली रह गईं। उसमें ये बताया गया था कि विश्व में आध्यात्मिक कारणों से अगर सर्वाधिक लोग कहीं पर समवेत होते हैं तो वो गंगा का किनारा है। गंगा के किनारे जितने लोग इकट्ठे होते हैं उतना किसी और जगह पर आध्यात्मिक कारण से उपस्थित नहीं होते हैं। तो गंगा का सर्वातिशायी महत्व है, पुराणों में कहा गया है कि गंगा से बढ़कर के दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। तो गंगा के बारे में तो जितना कहें उतना कम है, और गंगा से बढ़कर के दूसरा कोई आराध्य नहीं हो सकता, इसलिए गंगा के प्रति जीवन समर्पित है। जी जी, आपने स्वामी जी कुंभ की बात की, जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी के उपवास की बात की, और गंगा के आराध्य होने की बात की, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक महत्व क्या है गंगा जी का, क्यों लोगों खींचे चले जाते हैं, बिना बुलाए वहां पहुंच जाते हैं गंगा किनारे, और वहां तप करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं, महीने भर कल्पवास भी करते हैं, तो क्या उसमें आध्यात्मिक आकर्षण शक्ति है? देखिए, बात यह है कि किसी कवि ने कहा है कि नराकारम भजन्त्यन्ये निराकारम तथा परे, वयम संसार संतप्ताः निराकारम उपास्महे। इसका मतलब है कि परमात्मा का भजन बहुत से लोग नराकार में करते हैं, माने उनको नर के रूप में, रामकृष्ण आदि के रूप में मूर्तियां बना करके उनकी आराधना उपासना करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, संतोष प्राप्त करते हैं। निराकारम तथा परे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सगुण साकार रूप के प्रति आग्रह नहीं रखते हैं, वो निराकार की उपासना करते हैं। लेकिन कहने वाला कह रहा है कि वयम संसार संतप्ता, हम संसार से संतप्त लोग निराकारम, जैसे किसी को अगर जल जाता है, कोई गर्मी लग जाती है, तो
तो वो ठंडी जगह की आशा करता है, पानी में हाथ डाल देता है। उसी तरह से हम संसार से संतप्त लोग निराकार परब्रह्म की उपासना करते हैं। तो ये नीर के आकार में, माने जल के आकार में बह रहा ब्रह्म द्रव इसको कहते हैं। इसीलिए पुराणों में कहा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्रवित हुए तो वो जल होकर के और प्रवाहमान हो गए, वही गंगा है। उन्हीं को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया था और कालक्रम से वे ही शंख शिव जी के जटा में आई और फिर धरती पर प्रवाहमान हुई। तो ये ब्रह्म द्रव है। हमने हरिद्वार के और प्रयाग के कुंभ में एक सर्वे किया था जो झुंझुनवाला जी हैं उनके निर्देश पर, और उसमें ये बात निकल करके आई थी। हम लोगों ने अनेक लोगों से पूछा, उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, सब थे, कि आप कुंभ में आए हैं, बताइए क्या अच्छा लगा आपको। तो सभी लोगों में पहला जवाब जो होता था वो यही होता है कि गंगा जी। तो हम लोगों ने कहा, भाई यहाँ पर इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत बड़े पंडाल लगे हुए हैं, आप गंगा जी की बात करते हैं, ये सब अच्छे नहीं लगे? बोले हाँ, ये सब भी अच्छे लगे, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद गंगा जी के किनारे हमको आया। कैसे आया? तो जिन्होंने स्नान किया था उन्होंने कहा कि गंगा में स्नान करके हमको अच्छा लगा, और जिन्होंने स्नान नहीं किया था उन्होंने कहा कि गंगा की धारा को देख करके हमको आनंद आ गया। बच्चों ने भी कहा कि गंगा जी को देख के बड़ा अच्छा लगा। तो गंगा को पुनाति कीर्तिता पापम दृष्टा भद्रम प्रयच्छति अवगाहिता चपीता च पुनाति ही शतम कुलम। ये गंगा तो ऐसी है कि देखने मात्र से आह्लादित कर देती है। इसलिए गंगा का दर्शन, गंगा का स्पर्श, गंगा में स्नान, गंगा की चर्चा, गंगा के जल का पान और गंगा के विषय में दूसरा कुछ भी किया जाए, वो सब कुछ हमारे हृदय को आह्लादित करता है। ये ब्रह्म द्रव है, स्वाभाविक है कि इससे संस्पर्श जैसे ही व्यक्ति का होता है उसके हृदय में आनंद की अनुभूति, आनंद का संचार हो जाता है। इसीलिए काशी में जब लोग आते हैं तो उनको बड़ा आनंद होता है। यद्यपि काशी में नगरीय सुविधा की दृष्टि से कोई विशेष बात नहीं है, यहाँ तो छोटी गलियां हैं, गंदगी भी दिखाई देती है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, लेकिन जैसे ही गंगा जी का दर्शन, उनकी धारा का दर्शन व्यक्ति करता है, उसके हृदय में इतना आनंद समा जाता है कि अच्छे अच्छे शहर से आया हुआ व्यक्ति ये चाहता है कि हमको काशी में कुछ दिन और रहने का अवसर मिल जाए। तो ये ब्रह्म रूपता है गंगा गंगा की, जो हमारे हृदय को आकर्षित करती है और आह्लादित भी करती है। आपने काशी का जिक्र किया, काशी से जो इस समय तस्वीरें और वीडियो आ रहे हैं वो तो बहुत दुखी करने वाले हैं। गंगा जी की जो स्थिति वहां, उनका रंग जो है वो श्वेत से हरा हो गया है और पानी ठहर सा गया है वहां, खास करके ललिता घाट पे एक बहुत करीब 100 फीट का उन्होंने एक पक्का निर्माण कर दिया है। उसके अलावा मैंने देखा कि जो वरुणा और अस्सी दो नदियां थी, सहायक नदियां थी गंगा जी की, वो नाले में हो गई हैं और वहां से भयंकर प्रदूषण का पानी जो है वो आ रहा है गंगा जी में। इसलिए वहां की तस्वीरें देख के तो बहुत दुख होता है, गंगा जी की जो स्थिति है बीमार बना दिया गंगा जी को तो वहां। जी स्वामी जी, हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमने बहुत बोला है इस बारे में, और लोग कहते हैं कि हमको किसी व्यक्ति विशेष से या पार्टी विशेष से कोई समस्या है, इसीलिए जब हम बोलेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि ये तो अपने आग्रह के कारण, दुराग्रह के कारण बोल रहे हैं। इसलिए आप खुद ही बोल रहे हैं कि चित्रों को देख करके मन में दुख हो रहा है। आखिर ये दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसे चित्र आ रहे हैं। ये चित्र क्यों आ रहे हैं? तो जो कुछ गंगा जी के साथ इस समय व्यवहार हो रहा है उसी के कारण तो हो रहा है। आप बताइए कि एक व्यक्ति काशी में आया था और कहा कि मैं आया नहीं हूं, ना किसी ने मुझे भेजा है, मुझे तो गंगा ने बुलाया है, ये कह करके आया था। तो गंगा ने इसीलिए बुलाया था कि उसके आंचल को हरा कर दो, गंगा ने इसीलिए बुलाया था कि गंगा को पाट करके उसकी धारा को आप रोक दो, गंगा ने इसीलिए बुलाया था कि गंगा में बहने वाले नालों को तो बंद मत करो, लेकिन जब किसी दूसरे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को लेकर के आओ तो गंगा के नालों के पाइप के सामने होर्डिंग लगा दो, इसीलिए गंगा जी ने बुलाया था। तो सवाल ये है
कि गंगा जी के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, गंगा की धारा को रोका जा रहा है। ये आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के निर्देश पर हम लोगों ने गंगा सेवा अभियानम चला करके आंदोलन किया, गंगा को राष्ट्र नदी घोषित करवाया। गंगा जी के लिए एक प्रोटोकॉल की हम लोगों की आकांक्षा थी। हम लोग ये चाहते थे कि जैसे राष्ट्र ध्वज का अपमान नहीं हो सकता, वैसे राष्ट्र नदी अगर गंगा हो जाए तो उसका अपमान नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्र ध्वज के ऊपर अगर एक जग में गटर का पानी हम ले करके फेंक दें तो शायद हमको अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया जाएगा, ये माना जाएगा कि हमने राष्ट्र ध्वज का अपमान किया। लेकिन करोड़ों लीटर गटर का पानी गंगा में गिराया जा रहा है तो ये कैसे रुके। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर गंगा राष्ट्र नदी हो जाएगी तो शायद ये रुक जाए, क्योंकि गंगा को एक प्रोटोकॉल मिल जाएगा। लेकिन राष्ट्र नदी घोषित करवाने के बाद सरकार आई, उसमें गंगा मंत्रालय भी बनाया, और गंगा मंत्री जो उमा भारती जी बनी, उन्होंने कहा कि गंगा में गंदगी दिख जाएगी तो मैं गंगा में समाधि ले लूंगी। अब पता नहीं उन्होंने समाधि ले लिया है शायद, इसीलिए मंत्रालय से भी हट गई हैं और आजकल परिदृश्य में दिखाई भी नहीं दे रही हैं। तो समाधि लेना पड़ गई एक गंगा मंत्री को, लेकिन जिसको गंगा जी ने बुलाया था वो गंगा के प्रति अन्याय करता चला जा रहा है। और दुख की बात ये नहीं है रामदत्त त्रिपाठी जी कि गंगा की ऐसी दशा हम लोग देख रहे हैं, दुख की बात यह है कि ऐसी दशा देख करके भी बड़े बड़े विद्वान जो बड़े गंगा के भक्त बनते थे वो सब चुप हैं। हमने पचासों बड़े बड़े लोगों के पास अपने सहयोगियों को भेजा कि जा करके उनको चित्र दिखाओ, दशा दिखाओ और कहो कि अपने को क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। लगभग सब ने यही संदेश भेजा कि स्वामी जी को कहो कि वो बोलें। हो तो बहुत गलत रहा है लेकिन हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमारे ऊपर मुकदमा लग जाएगा, हमको परेशान कर दिया जाएगा। तो ये जो परिस्थिति बना दी गई है कि हम जो चाहेंगे गंगा के साथ व्यवहार करेंगे और किसी को बोलने भी नहीं देंगे, ये जो परिस्थिति बना दी गई है ये और भी ज्यादा मन को व्यथित करने वाली है। तो हम इसीलिए नहीं बोल रहे थे, लेकिन चूंकि आपने फिर टोका तो हमने थोड़ा सा बोल दिया। लेकिन सच बात यही है, गंगा की हालत बहुत बुरी है। गंगा की जमीन को पाट दिया गया कॉरिडोर के नाम पर, वहां पर जो मलबा निकला सब गंगा में पाट दिया गया, जबकि कॉरिडोर बनाने के लिए जो एनओसी मिली है उसमें पहली कई शर्तें हैं, उसमें पहली शर्त यही है कि गंगा की धारा को नहीं रोका जाएगा। और गंगा की धारा को प्रत्यक्ष रूप से 12 बीघे, आप कह रहे हैं ना कुछ फुट नहीं रामदत्त त्रिपाठी जी, 12 बीघे जमीन गंगा जी के अंदर की पाट दी गई है। जहां पर जल बहता था, गंगा जी की धारा बहती थी, वो 12 बीघा जमीन पाट दी गई है और उसमें कंक्रीट से बहुत मोटी ढलाई हो रही है। जाने क्या वहां पर बनने वाला है, किसी को पता तो होता नहीं है कि क्या काम हो रहा है। तो कोई काशी का व्यक्ति ये जानता नहीं है कि यहाँ क्या बन रहा है, लेकिन बन रहा है, धड़ल्ले से बन रहा है और किसी के बोलने की हिम्मत नहीं है। ये जो परिस्थिति इस देश में ला दी गई है, इस परिस्थिति का क्या होगा। गंगा तो अपनी धारा आज नहीं तो कल बढ़ा करके अपने आप को बचा लेगी, लेकिन ये जो चुप्पी, ये जो जनता को न बोलने देने का वातावरण बनाया जा रहा है, इससे भारत का लोकतंत्र कितना प्रभावित होगा और भारत की क्या दशा भविष्य में होगी, ये चिंतित करने वाली बात है। बहुत स्थिति खराब है। तो आज गंगा दशहरा पर जो लोग गंगा जी का स्नान या पूजा करेंगे, उन भक्तों से आप गंगा जी के क्या कहना चाहेंगे, आखिरी अपील क्या है उनसे आपकी? भाई, हमारी अपील का मतलब यह है कि देखिए, गंगा जी की जो प्रमुख दो धाराएं वरुणा और असी नदी काशी में मिलती थी, जिनके कारण इस स्थान का नाम वाराणसी हुआ, वो उनको सरकारी कागजों में नाला घोषित किया जा चुका है। असी नाला है और वरुणा भी इस समय नाला है, पहली बात जी। दूसरे, लगभग 15 दिन पहले यहाँ के जिलाधिकारी का वक्तव्य आया था कि लोग कुछ दिन गंगा में स्नान करने से बचें, माने उन्होंने ये कह दिया कि गंगा में स्नान मत करिए। तो भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ये घोषणा कर रही है कि गंगा में स्नान मत करिए। जैसे नाला घोषित किया गया है तो जो WHO है उसका ये नियम है, पहले से बना हुआ है कि गंगा का पानी आचमन के लायक, स्नान के लायक नहीं रह गया है, और लगभग 7-8 वर्ष पहले से ही उनके कागज आए हुए हैं भारत सरकार के पास कि गंगा के किनारे हर 500 मीटर के ऊपर एक बोर्ड लगाइए
कि इसमें स्नान करना हानिकारक है, ये भारत की सरकार लगा नहीं रही है, अलग बात है, लेकिन ये पहले से उनका अनुरोध आया हुआ है कि ये पानी स्नान लायक नहीं है, इसमें ये बोर्ड लगाई है जगह जगह पर। भारत सरकार अपने दामन को बचाने के लिए बोर्ड नहीं लगा रही है, लेकिन दूसरी तरफ से घोषणा तो करवा ही रही है। डीएम ने कहा कि लोग स्नान से बचें, लेकिन जो आस्था है, जो माता गंगा के प्रति श्रद्धा है, उसके कारण लोग स्नान कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि गंगा माता इसीलिए कही जाती है क्योंकि माता की विशेषता ये होती है कि अगर उसके शरीर में विष को संप्रेषित कर भी दिया जाए, विष का संचार करा भी दिया जाए, तो उसके दूध में वो विष नहीं आता है, सबसे बाद में आता है। खून में भले विष दिखाई दे लेकिन दूध में नहीं आता है। तो माँ जो है वो विष को स्वयं अपने पास रखती है, अमृत को बच्चे के लिए प्रदान करती है, यही माँ का स्वरूप होता है। और इसी कारण से गंगा को माता कहा गया है, क्योंकि उसमें हजार विष हो लेकिन फिर भी स्नान करने वाले को वो अमृत ही प्रदान करेगी। तो आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से गंगा के स्नान का जो पुण्य है वो कहीं नहीं चला जाएगा। और हम लोग तो कहते हैं कि गंगा की विशेषता यही है, और पानी में और गंगा के पानी में अंतर यह है कि मैल तो हर पानी धोता है। अगर आपके शरीर में मैल लग गया हो, किसी भी पानी से नहाइए तो मैल धुल जाएगा, लेकिन बाकी पानी में शरीर का मैल धोने की क्षमता है, गंगा के पानी में मन का मैल भी धो देने की क्षमता है। इसलिए गंगा का पानी और पानी से बेहतर है, वरिष्ठ है, विशिष्ट है। तो गंगा स्नान करने वालों को पाप मुक्त बनाएगी, गंगा स्नान करने वालों को उनके मन की अभिलाषा भी पूर्ण करेगी, ये बात सब सही है। लेकिन केवल स्नान करके गंगा से पुण्य प्राप्त कर लेना, ये बहुत बड़ा स्वार्थ हो जाएगा। स्नान करने वालों को ये भी देखना होगा कि हम जिससे कुछ प्राप्त कर रहे हैं उसकी क्या दशा है, और क्या हमारा भी कुछ कर्तव्य उसके प्रति बनता है कि नहीं। और अगर बनता है तो उनको जो जितनी शक्ति में है, जितनी भक्ति में है, उसको उतनी आवाज उठानी चाहिए, ताकि गंगा की ये जो दुरावस्था है ये दूर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी आपका गंगा जी पर चर्चा करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि लोग आज अपने पाप धोने के साथ ही, अपने लोक परलोक की साधना के साथ ही, गंगा जी को अविरल और निर्मल बनाने के लिए भी कुछ संकल्प लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी, प्रणाम। आपका भी धन्यवाद, आपने प्रासंगिक चर्चा की और गंगा जी के संदर्भ में कुछ सोचने का हमको भी अवसर दिया, धन्यवाद। नारायण। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।